थर्सडे हो गया तो देखा मल्लो आंटी जाग रही है यार, तो कल उसका छुट्टी है तो इसलिए अभी तक मूवी देख रहा है। बट इसके रूम में मेरे को एक चीज़ ये दिख गया, वेट मशीन। तो काफ़ी टाइम हो गया यार, मैंने अपना वेट किया ही नहीं। चलो लेट्स गो, देखते कितना होता है। भाई जा रहा है वो असेसमेंट के लिए। असेसमेंट इन द सेंस कि क्या होता है, इफ़ यू आर अ टीम मेंबर, ऐसा नॉर्मल टीम मेंबर हो, अब टीम मेंबर से एक लेवल अप जा रहे हो, ऐसा सिर्फ मैनेजर जा रहे हो। ऑफ़र वगैरह देख लेता हूँ क्या ऑफ़र है, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें खरीदनी, जैसे कि पीनट बटर हो गया, केला हो गया, मिल्क हो गया, तो ये अपनी रोज़ाना मरना की ज़िंदगी में काम आती है भाई, सर्वाइव करना है ना क्योंकि कुवैत में। भाई सब चले गए, मैं भाग के ऊपर से वापस आया है, मैंने चेकआउट ही नहीं किया। तो भाई लाइट वेट सब बंद हो गया एकदम अच्छे से। राम गो वेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी एंड गिव योर असेसमेंट। इतना दिन हो गया ना मुझे रोटी खाए। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये रही अपनी, आज मैंने कुछ आटे गून के रखे हैं और जा रहा हूँ बेलने, फिर रोटी को मारेंगे तवे पे, देखते हैं कैसे बनती है। काफ़ी दिन हो गया यार, और कल से मन कर रहा था, मेरे पास में दाल बचा हुआ था, तो ये देखो ये दाल को गर्म कर रहा हूँ, आज दाल रोटी ढकेल देंगे, है ना, अच्छा लगेगा। चलो बनाते हैं भाई, मेहनत मेहनत करना पड़ेगा अभी, दिखा दो। ये रही रोटी और ये रही दाल। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को इतना दिन खाए हुआ हो गया, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे रोटी खाए हुए इतना दिन हो गया कि पूछो मत, पहले प्रभु का नाम लेके। तो अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटी भाई बना के खाने में अलग ही मजा है। ओहो वो अच्छा हुआ दाल और सब्जी मिक्स कर दिया और गर्म कर लिया। अगर घी होता ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। मैं लूँगा फ्लाइंग वी सर का घी लूँगा, अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद में। चल भाई कुवैत का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख लो सारी बसें भाई, ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 4 5। तो चलते हैं काम पे, पैसा कमाने, और सैलरी आने में तो भाई अभी कितना दिन, आज 15 तारीख हो गई, 10 दिन और बाकी है, तो मजा ही मजा। और थैंक यू बोलूँगा हर बार। वी आर बस 3% लेफ्ट, कर लो यार सब्सक्राइब 3 लोग, और तुम्हारे भाई का 4000 कंप्लीट हो जाएगा यार, 0 से स्टार्ट किया है 0 से, और 4000 लोगों तक पहुंच पाया हूँ। आगे जर्नी बहुत बड़ी है, आगे चलकर अच्छे अच्छे भी कंटेंट आएंगे, जब तक जॉब पे हूँ तब तक यही आएगा, बट आगे चलकर और लेवल अप करेंगे। एंड चलो चलते हैं काम पे, और थैंक यू बोलते हुए आप सभी को, अच्छा लगता है जब आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता है, और कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस हर रोज़ होता है डेली लाइफ में, मेरे को तो मज़ा आता है आप लोगों के साथ में शेयर करने। और ये भी बोलूँगा यार, जो लोगों को कंटेंट क्रिएटर जर्नी में आना है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, आपके पास चाहे जैसा भी कैमरा हो, चाहे जैसा भी मोबाइल हो, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी। जब आप धीरे धीरे सीखने लग जाओगे ना, तो कोई ना कोई तो आपकी जैसा आपको मिल ही जाएगा कि आपसे कनेक्ट करेगा, जैसे कि मेरे साथ में अभी 4000 लोग मेरे को जानते हैं भाई साहब, एक नेक्स्ट लेवल का वो है। हाउ आर यू हबीबी? चलो चलते हैं बैठते अंदर। हाँ आई डोंट नो ऑल मुदीर इनसाइड, चलो जाते हैं। एसी का क्या मतलब, मस्त अंदर एसी, कुछ भी ऐसा गर्म नहीं लग रहा है। तो ये दोपहर का 5 बजे का सीन है इस तरह से, देख लो
भाई पहुंच गए यहाँ पर। और एक चीज बता दूँ कि लोगों को लगता है कि यार काम करना मस्त एकदम आसान है, श्रीकांत तो डेली जा रहा है आ रहा है, अपनी लाइफ दिखा रहा है, सब अच्छा चल रहा है, मगर जिस दिन तबीयत खराब होती है और कभी सर दुखता है उस दिन पता चलता है कि यार फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसा ही नहीं, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि उन्हीं को अच्छी लाइफ देने के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट में नया मुदीर आया है, हमारे मैडम की छुट्टी है, मिस्टर शातिक मतलब था पहले यार इधर पे काम कर चुका है ये रेस्टोरेंट में हमारे साथ में पहले, तो चलो मिलाता हूँ उससे। हो रहा है मुदीर खड़ा है, दौड़ रहा है, इधर काम कर रहा है उधर काम कर रहा है, तो एक दो कस्ट भाई अंदर है, चलो पहले लॉगिन करता हूँ। ये रहा हमारा भाई। और मेरा भाई कैसा है? वेलकम टू योर मदर स्टोर। भाई आया भाई, मैं कुछ इसको देखता हूँ ना, मेरे को कुछ होता है कसम से। वो देखो ये जो आदमी जा रहा है ना, ये दिख रहा है, इसने ना गिम्बल ले रखा हुआ है, जब अभी इसने ना ये इसका शूट किया है, अभी पता नहीं कौन सी चीज़ है और शूट करेगा। ये लोग है ना मार्केटिंग टीम, पीआर टीम है, जो इस मॉल को ऑनलाइन अपलोड करेंगे, इसके बारे में अच्छा अच्छा दिखाएंगे। देखो शूट कर रहा है, देखो देखिए, तो इस मॉल के बारे में अच्छा अच्छा दिखाएंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, और जिससे लोगों को अट्रैक्ट होगा, जो इंस्टाग्राम वगैरह चलाएंगे ना तो उससे भाई आके देखेंगे हाँ मॉल अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो इसको पीआर टीम संभालती है, बढ़िया है यार। मेरा भी एक सपना है कि मेरा भी बिग बिग फैन बेस हो, मैं भी मस्त अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वगैरह डालूँ, पूरी कंट्री ट्रैवल करूँ, बट क्या करें फैमिली को पालने के चक्कर में मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मतलब फंसा भी नहीं बोल सकता हूँ, अपना ड्रीम एक तरफ से पूरा ही कर रहा हूँ भाई। मोबाइल ले लिया आईफोन, कहाँ छोटा मोबाइल चलाता था, आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो चलो चलते हैं। थैंक यू बोलूँगा भाई, जो भी मिला है जितना भी मिला है बहुत शुक्रगुजार हूँ इस लाइफ के लिए बस। अब जैसे कि क्लोजिंग टाइम हो रहा है ना, तो यहाँ पे 10 बज रहा है, देख लो ये 10 बजे का सीन है, और जी हाँ ऊपर भी बिजी है, लोग खाने बैठे हैं। तो अब जैसे क्लोजिंग टाइम होगा ना वैसे सबके सब आएंगे, और देखते हैं आज तो मंडे भी है, पूरा चेयर वगैरह सब उठाना है, सब कुछ सारी चीज़ें वापस से जैसे हर मंडे करते हैं ना हम लोग, वो सारी चीज़ें भी करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो चलो मिलते हैं बाद में भाई। छोटी बच्ची का सूट देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, अरे यार वो बैठ गई, सूट देखो कितना प्यारा लग रहा है, मस्त लग रहा था। तो जो बाहर का चेयर दिख रहा है ना, वो सारे चेयर देखो ऊपर दिख रहे व्हाइट वाले और ये वाले, घर की हो गया, सभी वाले ने अपना कर लिया, अभी बाकी है हमारा इधर का चेयर अंदर करने के लिए और वहाँ का चेयर ऊपर उठाने के लिए। तो जा रहा हूँ उठाता हूँ यार, कर देता हूँ, बाकी के दो लोग किचन क्लीन कर रहे हैं, अभी तक किचन क्लीन नहीं हुआ, मैं वॉशिंग फटाफट ख़त्म करके फिर यहाँ का टेबल करने के लिए आया हूँ, चलो फिनिश कर दें। ख़त्म करता हूँ फिर मिलता हूँ, नहीं तो ऐसा वीडियो बनाने लगूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई ये वाला टेबल हम लोग ने मिल के, हम तीन जन लोगों ने मिल के ख़त्म किया, अब ख़त्म करनी बाकी है वहाँ का शेयर देखो। हो गया फाइनली, लुक एट लाइक दिस, ये सारा चेयर है, मुदीर एक चेयर उठा के ले गया, लड़की से हेल्प मांगा तो जिसमें मेरा कैमरा लगा के रखा था वही चेयर उठा दी। हाँ तो खड़ा कर दो, चलो भाई चलो भाई, कितना बच गया टाइम, कितना हो गया, ऐसे भी रख सकते थे चेयर, हाँ मुश्किल है, अभी 11:20 11:30 बज गया, अभी आधा घंटा और बाकी है, मैं भी फिनिश्ड, व्हाट टाइम 12 बज गया, वहाँ खत्म, बहुत ज़्यादा टाइम खत्म हो गया यार। सुनो आधा कुल्लू वाटर, तो भाई लाइट वेट सब बंद हो गया एकदम अच्छे से। राम मुगो वेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी एंड गिव योर असेसमेंट, भाई जा रहा है वो असेसमेंट के लिए, असेसमेंट इन द सेंस कि क्या होता है, इफ़ यू आर अ टीम मेंबर, एज अ नॉर्मल टीम मेंबर हो, अब टीम मेंबर से एक लेवल अप जा रहे हो, एज अ चीफ मैनेजर जा रहे हो, तो
तो आपका पहले एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में पास होने के बाद में आपको असिसमेंट देना पड़ता है। असिसमेंट इन द सेंस दे विल आस्क यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लाइक इफ एनी टीम मेंबर इन योर रेस्टोरेंट दे विल फाइट, यू विल नॉट कम ऑन टाइम, हाउ यू विल मैनेज योर शिफ्ट, हाउ विल मैनेज योर स्टाफ, तो ये एक तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। फिलहाल अपन चल रहे हैं घर पे। काहे के लिए इतना आवाज़ हो रहा है, मछली चिल्ला रहा है, मछली चिल्ला रहा है भाई। होता है देखा, ऐसे टीम मेंबर में आपस में तू तू में होते रहता है। तो चलो फिलहाल अब घर पे चलते हैं। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया ना यार, ये नॉर्मल है यार, आपके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें पड़ेंगी जब आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। एंड और थैंक यू सो मच, मेरा जो रील आपने देखा है ना भाई, वाला रील जो मैं वॉशिंग किया फिर उसके बाद में मम्मी से मिला, तो उस पर सबका अच्छा अच्छा व्यू भी, पॉइंट ऑफ व्यू भी आया एंड कमेंट भी आया। आई रियली लाइक, थैंक यू। और पता है क्या, मेरी बेटी मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रही है, बोलती है पापा मेरे लिए ये लेके आने वाला। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, अपने वीडियो में बोलता हूँ ना मैं मेरी बेटी के लिए लूँगा ये गुड़िया या वॉट एवर इट इज़, तो बोलती थी पापा मेरे लिए ये लेके आया, पापा ये लेके आएगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, शी इज़ लाइक कि यार मेरी वीडियो देख रही है। थैंक यू सो मच बेटा अन्नू, पापा जल्दी आएंगे एंड वी विल प्ले लॉट ऑफ गेम्स एवरीथिंग टुगेदर। ओके, कॉन्टेंट किधर, मेरा कॉन्टेंट किधर गया? अरे मेरा कॉन्टेंट इधर है यार। अरे मेरा भाई कैसे है तू? अच्छा आज का दिन कैसे गया तेरा? अच्छा तू भाई मेरी वीडियो में बोलता है ना तू भाई मेरा कॉन्टेंट है भाई ये, मगर ये इसकी वजह से वीडियो में चार चांद लग जाती है, इसकी स्माइल पे लोग फिदा है। वेरी गुड, टू मच हमाम वाला, तुम हमाम भाई। ऐसे हम लोग है ना मस्ती करते एक दूसरे के साथ में, बट चलो मजा तो मजा लड़का लगा है। हाँ और क्या, एक जो भी करते हैं मस्ती करते हैं हम लोग सब साथ में मिलके। चलो आपसे नाइट में, बेचारे पहले मॉर्निंग में थे अब नाइट में डाल दिए मैडम ने, और मैडम खुद चली गई मॉर्निंग में। चलो भाई आज बिजी नहीं है इसके लिए अच्छा लग रहा है, लेट्स सी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या सीन होता है। भाई सब चले गए, मैं भाग के ऊपर से वापस आया है, मैंने चेकआउट ही नहीं किया, हाँ रहा हूँ मैं फटाफट भाग के आया ना इसकी वजह से यार, लफड़ा हो जाता अगर चेकआउट नहीं करेंगे तो। मेरे को याद आया, थैंक यू, मैं उधर पे जो साफ थे ना उन लोग को रोक के रखा, मतलब भाई मैं आ रहा हूँ चेकआउट करना भूल गया हूँ, तो बोले ठीक है जल्दी जा। थक गया यार, भाग भाग के आया, तो लिफ्ट उधर पे स्टेयर केस भी बंद था, तो एकदम फटाफट से ऊपर जा, देखो इधर इसका काम चालू ऊपर एसी का, मुझे लग रहा है एसी कूलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो फटाफट चलते हैं तो भी लेट हो जाएगा। बस नहीं आई अभी, छोड़ो सारे लोग वेट, बस नहीं आई अभी, सारे लोग वेट कर रहे, देखो कितने सारे लोग हैं। चलो आ जाती है फिर चढ़ते हैं, तब तक मैं ऑफ़र वगैरह देख लेता हूँ क्या ऑफ़र है, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें खरीदनी, जैसे कि पीनट बटर हो गया, केला हो गया, मिल्क हो गया, तो ये अपनी रोज़ाना मरना की ज़िंदगी में काम आती है भाई, सर्वाइव करना है ना क्योंकि कुवैत में। तो इसी के साथ में भाई घर पे आ गया मस्त, गैस को ऑन कर दिया हुआ है, और मेरा ये जो तीन अंडा रखा है भाई, आप भी प्रोटीन का सोर्स लेते रहो। हालांकि मैं घर पे आज जाते समय रोटी और दाल खा के गया था, बट अब बोलते ना रात को बिना कुछ खाए, या तो बिना कुछ खाए सो जाऊँ, या फिर मेरे पास में तीन अंडे पड़े और अपना मेरा काजू बादाम और एक केला डाल के मिक्सी में घुमाना है। पीनट बटर नहीं ले पाया, यहाँ पे महंगा मिल रहा है, और मेरी छुट्टी के दिन ही लग रहा है आ पाएगा एक किलो पीनट बटर, नहीं तो आधा किलो। और जी हाँ, और एक ट्रे अंडा, मेरा अंडा ख़त्म हो गया, अंडा का ट्रे यहाँ पे फेंक दिया मैंने, कोई बात नहीं। और चलो बना लेते हैं फटाक से, बना के खा के फिर तुरंत सोने जाना है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे की शिफ्ट है, तो लेट्स सी क्या सीन है, कैसे बनता है। रेडी, तो भाई अपना है ना एकदम सिंपल रेसिपी, कसम से बता रहा हूँ, खाली अंडा फोड़ा, सॉल्ट पेपर है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्ट और रेड चिल्ली फ्लेक्स डाला और खा लिया। तो ये मेरा सीधा, इसको बोलते हैं सनी साइड अप एग। साथ में मेरा मिल्क शेक, खाओ
खा लेता हूँ, भूख लगी है। तो भाई खाना पीना मस्त नाश्ता वाश्ता हो गया, तो देखा मल्लो आंटी जाग रही है यार, तो कल उसका छुट्टी है तो इसलिए अभी तक मूवी देख रहा है। बट इसके रूम में मेरे को एक चीज़ ये दिख गया, वेट मशीन। तो काफ़ी टाइम हो गया यार, मैंने अपना वेट किया ही नहीं। चलो लेट्स गो, देखते कितना होता है। कितना हो रहा है भाई? 79 kg। 79 kg भाई, मैं 79 kg का। अब वेट कम करना पड़ेगा वरना फिर बीमारी लगने का चांसेस है। चल भाई, जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं 80 किलो का पहले से था, अभी 78 kg है, बहुत ही सही है। फिर भी अपने को वेट और कम करना है, क्योंकि जब मैं बर्गर किंग का कपड़ा पहनता हूँ ना, तो मैं लगता हूँ कि सच में मैं फैल गया हूँ, मोटा गया हूँ साला। अब उसको कम करना ही पड़ेगा। फिर जब मैं नॉर्मल अपना घर का कपड़ा पहनता हूँ ना, जैसे कि इतने सारे कपड़े लगे हुए हैं, जब ये सब पहनता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अभी पतला ही हूँ। बट कोई नहीं है, सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। किसी का हम चेंज नहीं कर सकते। और काफ़ी लोगों को ना मेरे वीडियो बनाने से प्रॉब्लम है, आके आया ना इसलिए ढकार आ रहा है। तो काफ़ी लोगों को है ना मेरे वीडियो बनाने से प्रॉब्लम है, बट मुझे उन लोगों से कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बट आई होप तो कि ज़िंदगी में मैं सभी को है ना हंसा सकूँ यार, एंटरटेनमेंट कर सकूँ उनके साथ में। एंड बाकी सब तो बढ़िया है। फिलहाल अपने इस ब्लॉग को करते ख़त्म। अभी मेरे को बुक लिखना है मेरा, क्या मेरे साथ में पॉजिटिव हुआ, कैसे चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच ऊपर वाले, वी आर नाउ 4000 फैमिली। ओनली 2 लोग बाकी है भाई, कर दो यार, कर दो। मैं भी, मुझे लग रहा है सुबह जब मैं सो के उठूंगा, इट कुड बी 4000 फैमिली। और वो चीज़ें ना मैं अपनी मम्मी से शेयर करना चाहता हूँ, मैं वीडियो कॉल पे बात करवाऊंगा, आप भी देख लेना मम्मी का क्या रिएक्शन होगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।